आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इडली डोसा वड़ा के साथ खाए जाने वाली बहुत ही चटपटी और टेस्टी सी ये चटनी, जिसे हम बिना लहसुन प्याज के भी बनाएंगे और उसके साथ भी। तो आई होप फ्रेंड्स ये सिंपल सी चटनी की रेसिपी आपको अच्छी लगी, तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लहसुन प्याज वाली चटनी बनाएंगे, तो उसके लिए हम कढ़ाई के अंदर 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। एक बार इस तेल को गर्म होने देंगे, जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्ची, या फिर हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें, साथ में 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। और बस अब इन तीनों चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो इसे हमें जब तक भूनना है जब तक कि जो हमारे प्याज है वो हल्के हल्के से ब्राउन नहीं हो जाए। तो इस स्टेज पे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि इसको हमें लगातार चलाना है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी पानी वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो जो हमारे प्याज है वो बहुत ज़्यादा जल जाएंगे। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं प्याज में हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप रोस्ट की हुई मूंगफली। अगर आपके पास रोस्ट की हुई मूंगफली नहीं है तो एक बार आप मूंगफली को लो फ्लेम पर अच्छे से भून लें, उसके बाद उसका छिलका उतार कर आप इसमें यूज कर लें। अब इसमें करीबन 12 से 15 हम ताजा पुदीना की पत्तियां ऐड कर देंगे, साथ में ही करीबन 8 से 9 धनिया की डंठल इसमें डालेंगे। तो धनिया की डंठल फ्रेंड धनियों की पत्ती से भी ज्यादा इनमें फ्लेवर होता है, तो इसलिए मैंने यूज की है यहाँ पर। आप इसकी जगह धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। तो बस हल्का सा 2 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पर इसको हम भून लेंगे, ताकि जो ये सारी चीज़ें हमने डाली है वो हल्की सी कुक हो जाएं। तो बस अब 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब आंच को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से एक बार ठंडा होने देंगे। और जब ये मिश्रण अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद इसे जार के अंदर डालेंगे, साथ में 1 टीस्पून इमली का पल्प इसमें ऐड कर लेंगे खटास के लिए। अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो इसकी जगह फिर आप नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं। साथ में नमक ऐड कर देंगे, नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। और बस थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चटनी की जो थिकनेस है फ्रेंड्स वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे भी आपको गाढ़ी और पतली चटनी तैयार करनी है उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें। मैंने यहाँ करीबन 1/2 कप पानी यूज़ किया है। तो ये हमारी पीनट की चटनी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। पर अभी ये जो चटनी है खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगे और देखने में भी अच्छी लगे, उसके लिए इसमें हम लगाएंगे एक बढ़िया सा तड़का। तो उसके लिए एक पैन में मैंने यहाँ करीबन 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच राई और 1/2 छोटी चम्मच उड़द दाल डालेंगे, साथ में 3 साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ी सी डालेंगे धनिया पत्ती। आप इसकी जगह करी पत्ता भी डाल सकते हैं। बस चम्मच से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अब ये तड़का जो है जाएगा इस चटनी के ऊपर और बस इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी पीनट की चटनी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स देखने में कितनी अच्छी है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर पसंद आएगी सभी को। तो चलिए एक चटनी हमारी तैयार। अब हम बनाएंगे दूसरी चटनी जिसमें हम लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम कढ़ाई के अंदर करीबन 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जब ये तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच उड़द दाल, 1 छोटी चम्मच चना दाल और साथ में ही 4 से 5 साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ तीखी वाली लाल मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही तीखा कम खाते हैं तो फिर यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च आप ऐड कर लें। और अब इन तीनों चीज़ों को हम हल्का सा लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। जब हल्की हल्की सी हमारी दाल वगैरह भून जाए तो उस स्टेज पर इसके अंदर हम डालेंगे करीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो मैंने यहाँ देसी वाले टमाटर यूज़ किए हैं, ये थोड़े ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो बस अब टमाटरों को हम मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। अब पकाना तब तक है जब तक कि जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, बढ़िया से पक नहीं जाते। तो बस इसे हम ढक्कन लगाएंगे और कुक होने देंगे। तो बीच बीच में आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसको आप मिक्स भी कर सकते हैं ताकि जो टमाटर वगैरह हैं वो जले नहीं। तो इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स टमाटर बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम 1/3 कप यानी 1/2 कप से थोड़े से कम डाल देंगे रोस्ट की हुई पीनट। और बस पीनट डालने के बाद इसे करीबन 1 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे ताकि जो पीनट का फ्लेवर है वो बढ़िया से टमाटर वगैरह और सारे चीज़ों के अंदर चला जाए। तो बढ़िया से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ करीबन 1 मिनट इसे कुक कर लिया है। तो बस अब आंच को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये बढ़िया से हमारी मिश्रण ठंडा हो जाए उसके बाद इसे डालेंगे जार के अंदर और साथ में ही हम 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। और अब यहाँ मैंने 1/2 कप डाला है पानी और पानी डालने के बाद इसको बिल्कुल बढ़िया से पीस लेंगे। तो ये हमारी बिना लहसुन प्याज की चटनी बिल्कुल तैयार है। तो बस अब लास्ट में इसमें एक लगाएंगे तड़का, जिससे चटनी देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो उसके लिए हम 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल को तड़का पैन में गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/2 छोटी चम्मच उड़द दाल,
दो साबुत मिर्च, साथ में एक टीस्पून सफ़ेद वाले तिल और साथ में धनिया पत्ती। अगर आपके पास करी पत्ता है तो आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो बस ऑयल में इसे भून लेंगे, उसके बाद इसे डालेंगे चटनी के ऊपर और कर लेंगे इसे मिक्स। तो ये हमारी बिना लहसुन प्याज की चटनी बिल्कुल तैयार है। तो है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान सी चटनी, तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। आई होप ये सिंपल सी चटनी की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।